नमस्कार जी, आज आपको न्यू ट्रैक्टर दिखाएंगे, स्वराज 744 XT 4 स्टार। और जो ये भाई इसके ओनर है, इनसे बातचीत करेंगे और इसके बारे में पूरे का पूरा पता लगाएंगे और आपको इसकी एक एक चीज़ दिखाएंगे। ये न्यू मॉडल भाई ने लिया है, क्यों लिया, क्या खास बात लगी ने लिया जो, और ये किसकी चीज़ पर चल रही है, आपको पूरा दिखाएंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी, एक बार अपना नाम बताओ जी। नरेश है जी। अच्छा जी, ये आपने ट्रैक्टर कब लिया जी? ये मेरे को हो गया भाई साहब 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना हो गया जी। हाँ जी। तो आपने क्या सोच कर लिया जी ट्रैक्टर लिया जी? ये न्यू मॉडल है, तो आपके दिमाग में आइडिया कहाँ से आया लेने का जी? ये भाई साहब मेरे पता पहले पुराना 35। अच्छा, सोनाली का 35 जी? ना, स्वराज 35। अच्छा, स्वराज 35। मेरी आदत पड़ रही थी स्वराज पे। अच्छा जी, इस करके मैंने स्वराज दोबारा लिया है। अच्छा, स्वराज अपना फेवरेट था जी? हाँ जी। अच्छा जी, और कोई ट्रैक्टर फेवरेट नहीं है मेरा। अच्छा, स्वराज अच्छा लगा जी आपने? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें एक वैसे भी आता है, ये न्यू मॉडल वाला लिया जी आपने? हाँ जी। अच्छा, पुराने मॉडल में मिला नहीं जी, वो कहने लगे न्यू मॉडल में लेना पड़ेगा, मगर न्यू ही दे दो जी आप। अच्छा, नहीं, इसमें आपने अच्छा करा, बढ़िया भी चीज़ आ जी। तो आप किसकी चीज़ पर चला रहे थे जी? ये जी कच्ची तो मैं पक्की में जी, जो मर्जी काम है जी सब मचल तो मेरा 7000 इंटों में वारा खाता है जी। अच्छा जी, मैं ट्रॉली में चलाऊँ जी इसने। अच्छा, लोड का काम करते हो जी आप? हाँ जी। अच्छा, 7000 इंटा भर लेते हो इसके पीछे? हाँ जी। तो दबदा नहीं है, कोई कमी नहीं है इसमें। अच्छा, तो लगभग कितना क्विंटल वजन बन जाता है 7000 इंटों में जी? यो कम से कम जी 350। 350 क्विंटल वजन खींच लेता है जी? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा 350 क्विंटल वजन खींच लेता है जी? हाँ जी। अच्छा, चलाई वगैरह में कैसा है जी? यो दबदा नहीं है भाई। नहीं, चलाई वगैरह में अच्छा है जी, मतलब बिल्कुल एक नंबर। इसका स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा दे रखा है जी इसमें, जो न्यू मॉडल है जी, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है दिया का जी। वो डीजल खपत कैसी है जी इसकी? यो भाई साहब 50 किलोमीटर में 1500 का डीजल खाता है। अच्छा, 50 किलोमीटर में? हाँ जी। ये आपने लोड पर बताया? हाँ जी। अच्छा, और आपने अच्छा लगा ये सब कुछ ये? हाँ जी। तो आप एक और बता रहे हो, आपके भाई के पास कौन सा है? सोनाली का 35 है जी। अच्छा, उनके पास सोनाली का 35 है? हाँ जी। अपने स्वराज लेना था जी? हाँ जी। स्वराज इस कर लिया जी, फेवरेट चीज़ है अपनी। अच्छा, फेवरेट चीज़ है जी। वाह जी वाह, ये 14 के टायर में है ना जी? हाँ जी, 14 में जी। अच्छा, और रोड वगैरह अच्छा भागता है जी? हाँ जी। तो आपने उस दिन से लिया, उस दिन से कुछ अलग काम करा इसमें जी? हाँ जी। नहीं, बस लिया से ही चला रही है अपने? नहीं, ब्लॉक का काम करा, लकड़ में चलाया जी। अच्छा, लकड़ में चला, ठीक है। सारे काम पेल रखे जी इस पर। अच्छा, लकड़ भी भरे जी? हाँ जी, जो मिल जाए वही काम पेल रखा जी। अच्छा, जो भी मिल जाता है वही काम कर। ये पावर स्टीयरिंग के साथ है अपना? हाँ जी। इसका सिलेंसर ये साथ के ही है जैसे जाली सी लग रही है जी? यो शुरू का है जी, जिस टाइम लिया था उसी टाइम तो ऐसा ही है। अच्छा, लगभग कितने घंटे चलेगा जी ये? 7 घंटे चला हुआ जी। कुल 7 ही घंटे चला? हाँ जी। अच्छा, ये अपना भी लिया साल पे फिर ये? हाँ जी, ये मेरे तो हो गया 1 महीना हो गया जी। अच्छा, 1 महीना हो गया जी। हाँ जी। अच्छा, चलाया काम है, बाकी काम सारे पे रखे। अच्छा, काम सारे पे रखे। हाँ जी, कोई बात नहीं, अब सारे काम करेगा जी, ले रखा आपने कहने जी। ये देखिए भाई, गुड़ियर के टायर है इसमें, 14/28 के टायर है, बिल्कुल न्यू टायर अभी तो, इसकी रबड़ अभी जो है जू की तू लग रही है। और ये देखिए इसके उम्रगार्ड वगैरह यहाँ पे भाई, बिल्कुल सॉलिड क्वालिटी के उम्रगार्ड वगैरह। और यहाँ पर ऊपर ये सपोर्ट के लिए है, और ये इसके यहाँ पे अपना डिपर वगैरह हो गए, और ये इसका बैक साइड का डिपर हो गया जी यहाँ पे, और ये इसके लिंके वगैरह, ये लिंके वगैरह देखो कितनी मजबूत बना रखी जी इसकी, जैक वगैरह लगा रखे नॉन रिडक्शन के साथ आता है भाई ये इसके यहाँ पर, ये सपोर्ट के लिए लगा रखा है इसमें, ये बैक साइड में रिफ्लेक्टर दे रखा है जी, और ये टूल बॉक्स ही देखो ऊपर लिख भी रहा स्वराज, और यहाँ पे बोतल के लिए है, अपना बोतल वगैरह रख लो। और ये देखिए वही ने इंच बना रखा है इसमें, और ये देखिए पीछे से देखने में ऐसा है जी, यहाँ पर अपना चार्जिंग वगैरह के लिए सॉकेट है, ये चार्जिंग वगैरह कुछ लगा सकते हैं यहाँ पर अपना। और ये डबल DC वॉल के साथ दे रखा है, ये अपना सेंसिंग पॉइंट हो गया यहाँ पर इसकी, बिल्कुल अच्छा बना रखा है एकदम जेन्युइन। और ये यहाँ पर अपनी सीट होगी इसकी है, ये देखिए जी यहाँ पर अपनी ये सीट होगी इसकी, आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं ऐसे। और ये यहाँ पर लिफ्ट के लीवर होगी जी इसकी, ये लिफ्ट के लीवर होगी जी यहाँ पर अपना। और ये इसके यहाँ पर क्लच होगा, यहाँ पर पैर रखने के लिए होगा, ये इसका प्लेटफॉर्म वगैरह होगा, यहाँ पर बंद करने के लिए होगा जी। ये देखिए 4 स्टार है जी। अब आपको ऊपर से दिखाते हैं, ये इसका यहाँ पर अपना डैशबोर्ड होगा जी, ये RPM को हो गया यहाँ पे, ये यहाँ पे तेल को हो गया, और इधर टेम्परेचर को हो गया। ये देखिए इसका स्टीयरिंग जी यहाँ पे, स्टीयरिंग भी अच्छा दे रखा है इन्होंने। और ये देखिए ऊपर से मरकार वगैरह इसके,
यहाँ पर इसके गियर होगा जी, ये देखिए ये इस साइड में हाई लो का दे रखा है और इस साइड में गियर है 1 2 3 4 रिवर्स, रिवर्स इस साइड में लगता है इसका। और यहाँ पर अपना इसका डीजल टैंक होगा जी, हाइट भी काफ़ी ऊंचाई दे रखी है इसकी, ये देखो यहाँ पर लिखा है सिंस 1947। और ये अपना एयर क्लीनर होगा इसका, ये देखिए भाइयों एयर क्लीनर। और ये देखिए पावर स्टीयरिंग के साथ है इसमें, ये पावर स्टीयरिंग है इसका यहाँ पर। और ये नीचे की साइड इसकी रोड दे रखी है, और यहाँ पे अपना जो है इसका वाटर सेपरेटर है, और यहाँ पे इंजन ऑयल फिल्टर हो गया इसके। ये तीन सिलेंडर के साथ है भाई, ये इसमें यहाँ पे इसका पंप वगैरह है यहाँ पे। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रेडिएटर वगैरह इसका यहाँ पे, ये देखिए स्वराज 744 XT। और ये रिवर्स PTO यहाँ पर लिख रहा है इसका, ये देखिए इसकी सो, जो इसकी सो है ना बिल्कुल मतलब अलग तरह की लुक बना रखा इसका, अब पहले से बहुत चेंज कर दिया है। और ये देखिए फ्रंट टायर 750 किया है भाई उसमें, ये भी गुडियर किया है फ्रंट टायर भी इसके। और ये देखिए जी अपना इसका फ्रंट एक्सल, क्या ज़बरदस्त फ्रंट एक्सल दे रखा है। और यहाँ पर सामने इसकी हेडलाइट दे दी, और ये देखिए ऊपर से सो वगैरह कुछ देखने में ऐसी लगती है इसकी। यहाँ पर स्वराज की बैचिंग दे दी है सामने, और ये देखिए इसका आगे से देखने का लुक अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई। और यहाँ पर नंबर प्लेट है इसकी, अभी न्यू है, नंबर वगैरह तो आई नहीं इसकी अभी तक। और ये देखिए इधर से यहाँ पर दोनों साइड में जाली दे रखी है इसमें ताकि हवा अंदर जाती रहे। और ये देखिए इधर से स्वराज 744 XT। और ये देखिए इधर से जी फ्रंट एक्सल वगैरह इसके, ये इस साइड से रोड जगह गई हुई है इसकी। और ये देखिए जी यहाँ पर हमने इसके फिल्टर वगैरह लगे हुए हैं। और इसमें खास बात ये क्या, इसका सिलेंसर देखिए भाई, क्या ज़बरदस्त सिलेंसर दे रखा है, अजी वाह बहुत अच्छा सिलेंसर दे रखा है भाई ऐसा। ये देखो ऊपर जाली लगा रखी है जिससे गर्म वगैरह ना लगे, गर्म भी हो चाहे हाथ धर लो कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा अच्छा बना रखा है ये। और यहाँ पर अपना इसका मिरर होगा जी यहाँ पे, ये फोर स्टार। यहाँ पर इसके अपने बैटरी बॉक्स दे रखा है यहाँ पे साइड से, और ये स्लब वगैरह होगा इसके। ये देखिए जी यहाँ पर रखने के लिए है, ये अपने हैंड ब्रेक होगा यहाँ पे, और ये इसकी रेस होगी यहाँ पे जो हैंड रेस है। और यहाँ ये लिफ्ट के लीवर दे रखे है ऊपर नीचे करने के लिए, यहाँ से ऊपर नीचे रहते हैं भैया। और ये इसके यहाँ पर ब्रेक दे रखे हैं, और ये इसके यहाँ पर एक्सीलेटर दे रखे हैं, एक्सीलेटर दे रखे हैं इसके यहाँ पर। और ये देखें नीचे से देखने में कुछ ऐसा है जी, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ बना रखी है जी। ये देखिए इधर से इसका पिछला रिंग वगैरह। और ये देखें यहाँ पर बैक साइड में ऊपर की और भी लाइट दे रखी है इसमें, और डीपर वगैरह इसके। अब आपको एक बार थोड़ा सा और दिखाते हैं जी, ये देखिए जी इसके यहाँ पे सो देखने में कुछ ऐसे है जी। ये सामने इसकी हेडलाइट दे रखी है जी, ये देखिए जी सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के साथ दे रखा है जी, बिल्कुल गजब चीज़ बना रखी है जी। यही था भाई वीडियो में, वीडियो अच्छी लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। थैंक यू जी।